अभी के लिए इतना ही। न्यूज 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। ठाकुर रामलाल के इस्तीफे की घोषणा पर सीएम ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। हर दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दूसरे को धक्का देकर और अपमानित करके आगे बढ़ना चाहता है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस छोड़ने का नेता का ये क्रम जारी रहेगा। सीएम ने अमृत महोत्सव में सरकारी खर्च के आरोपों पर भी जवाब दिया। रामलाल ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है वो कांग्रेस की जो अंदर की बातों को सार्वजनिक कर गया है। जो अंदर चल रहा है सब बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने आप को आज़ाद कह कर के निकल गए और उसके बाद इस प्रकार का ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है। आपने देखा गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये क्रम मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से रामलाल ठाकुर जी ने बात कही कि हर आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर आदमी यही दूसरे को धक्का दे करके अपमानित करके जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश की कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में कभी पहले नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और ऐसे हालात में अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट भी नहीं देती है तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी इस तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आहत हैं कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस के नेतृत्व से। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलकलाम